वहीं दुर्ग जिले के कुम्हारी टोल नाके पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने की बड़ी कार्रवाई। उड़ीसा से नागपुर ले जाई जा रही गांजे से भरी दो बुलेरो सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने आधी रात को कुम्हारी के खारून टोल प्लाजा पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 300 किलो गांजे के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। दो बोलेरो वाहन में विशेष रूप से छत पर बनाए गए बॉक्स में गांजे के पैकेट रखे गए थे। गांजे की इस खेप को ओडिशा के मलकानगिरी से छत्तीसगढ़ के रास्ते नागपुर ले जाया जा रहा था। पकड़े गए आरोपियों में विशाखापट्टनम निवासी पंपा पुष्पा राव व कोडेरिया बाबूराव शामिल है। जानकारी के मुताबिक इंदौर की एनबीसी जोनल ऑफिस की टीम को एक बड़ा इनपुट मिला था कि छत्तीसगढ़ के रास्ते ओडिशा से नागपुर की तरफ गांजे की बड़ी खेप ले जाई जा रही है, जिस पर एनसीबी की टीम ने कुम्हारी थाना पुलिस की मदद से सुबह से ही कुम्हारी के खारून टोल प्लाजा पर नाकेबंदी कर मिले हुए इनपुट की वाहनों पर नजर रखे हुए थी। इसके ठीक बाद देर रात ओडिशा पासिंग दो बोलेरो को रोका गया और थाने लाकर उसमें छत कटवाकर बनवाए गए स्पेशल बॉक्स को खोलकर तलाशी ली गई तो टीम के होश उड़ गए क्योंकि उसमें गांजे को स्पेशल पैकिंग कर बहुत ही तरकीब के साथ रखा गया था। वहीं एनबीसी की इंदौर जोनल ऑफिस की टीम को मादक पदार्थ के तस्करी करने वाले एक शातिर गैंग का दिल्ली से एक महत्वपूर्ण इनपुट मिला था और आज गांजे की बड़ी खेप ले जाने की सूचना थी, जिस पर एनबीसी की टीम ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के आला अधिकारियों से संपर्क कर बड़े ही गोपनीय तरीके से नाकेबंदी कर रखी थी। इसके बाद देर रात इन दोनों बोलेरो को रोका गया और उसमें सवार पंपा पुष्पा राव और कोडेरिया बाबूराव को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि बोलेरो लेकर जा रहे दोनों तस्कर विशाखापट्टनम के रहने वाले हैं। उन्हें ओडिशा के मलकानगिरी से नागपुर तक गांजा ले जाकर वहां दूसरे तस्करों के हवाले करना था, इसके लिए उनको 50,000 रुपये मिलने वाले थे। एनसीबी की टीम ने इन दोनों बोलेरो के करीब 300 किलो से ज्यादा का गांजा जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 6 लाख रुपये बताई गई है। बताया तो ये भी जा रहा है कि एनबीसी की टीम इन तस्करों पर पिछले एक महीने से नजर रखी हुई थी, जिसके बाद कुम्हारी पुलिस के साथ मिलकर ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। नारकोटिक का कंट्रोल ब्यूरो की मंदसौर मध्य प्रदेश की टीम कल रात में कुम्हारी थाने आई थी और उन सूचना थी कि दो बोलेरो में करीब गांजा पार होने वाला है। कुम्हारी पुलिस द्वारा जो है बैरिकेड लगाया गया और एनसीबी के साथ मदद में दो बोलेरो को पकड़ा गया, जिसमें से 300 किलो गांजा जो है पकड़ा गया है, जिसकी बाजारी कीमत करीब 3 करोड़ के करीब है। अभी दो आरोपी को पकड़ा गया है और डिटेल्स निकाले जा रहे हैं और भी गिरफ्तारियां संभव है। क्या निकल के सामने है, कहां से लेकर आ रहे थे, कहां लेके जा रहे थे? अभी वो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो की टीम है, वो उसमें डिटेल में जांच कर रही है और उनके द्वारा ही बाकी खुलासे करने संभव है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।